अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले दो हफ्ते में मैंने दो वीडियोस अपलोड किए, दो व्लॉग्स अपलोड किए, मुझे खास सपोर्ट देखने को नहीं मिला, जो कि मैं उम्मीद करता था आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप मुझे अच्छा सपोर्ट देंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नए नए वीडियोज और व्लॉग्स बनाता रहूं आपके लिए। इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करके देंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था नहर के बारे में, आज चल रहे हम उसी नहर के पास। तो आपको नहर दिखाते हैं और नहर के रिलेटेड आपके साथ कुछ बातें शेयर करते हैं। तो चलो हम अभी चल रहे थे नहर के पास, तो मैंने कुछ देखा, चलो आपको भी दिखाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो, ये सोलर पैनल्स हैं। ये सोलर पैनल्स की मदद से यहाँ से पानी निकालते हैं। आप देख सकते हो आगे पाइप लगी हुई है, उसमें पानी चल रहा है। तो ये इसी सोलर पैनल की मदद से पानी निकाल रहे हैं ज़मीन से। राजस्थान का जो एरिया है, जो यहाँ पे पानी निकलता है ज़मीन से, वो ज़्यादातर नमकीन पानी होता है। और जो ये पानी है, ये एकदम मीठा पानी है, क्योंकि मैंने इसका टेस्ट चेक किया है और ये ज़मीन के लिए परफेक्ट है। तो नमकीन पानी भी लगता है ज़मीन में। तो जब इनको एमरजेंसी होती है, पीछे नहर से इनको पानी नहीं आता है, तो तभी नमकीन पानी भी लगा सकते हैं। अगर ये एक दो बार लगाएंगे नमकीन पानी खेतों में, तो इनके खेत ख़राब हो जाते हैं, इसलिए नमकीन पानी नहीं लगाते खेतों में। तो चलो अभी हम चलते हैं नहर के पास। डियर फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं नहर के पास। काफ़ी दूर था, 1-2 किलोमीटर चल के आना पड़ा यहाँ पे। तो अभी हम आपको नहर दिखाते हैं, तो चलो देखते हैं नहर। डियर फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं नहर के पास। तो चलो आपको नहर दिखाते हैं। बदकिस्मती से आज ये नहर बिल्कुल सूखी है, क्योंकि इस नहर के दो पार्ट है। एक तो होता है गांव के उस साइड में एक पार्ट है, एक पार्ट रहा ये जो कि इस नहर का पानी है वो जाता है इन खेतों में। बिल्कुल आज दूसरे पार्ट में पानी चल रहा है, इसलिए बिल्कुल सूखा है। नहर तो भी आपने देख ली, लेकिन अब आप बोलोगे नहर बनी कब और ये पानी आता कहाँ से है? तो मैं आपको बताता चलूँ, ये नहर बनी है 1950 में। पानी आता है, ये आता है भारत की सबसे लंबी नहर से, जिसका नाम पहले था राजस्थानी कैनाल। नवंबर 1985 में इसका नाम पड़ गया इंदिरा गांधी नहर, बिल्कुल, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। पानी आता है इंदिरा गांधी नहर से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बाद में ये छोटे छोटे नहरों में डिवाइड होता है, जो कि एक हिस्सा इस नहर में भी पहुंचता है जो मैंने आपको दिखाई थी। नहर तो भी आपने देख ली है, लेकिन अभी हम चल रहे हैं गांव में, क्योंकि मुझे गांव से कुछ लाना था, इसलिए हम आपको गाँव भी दिखाएंगे, ठीक है। हम पहुंच गए गांव में, तो चलो अभी आपको गांव दिखाते हैं। गांव तो मैंने आपको दिखा दिया, शॉर्ट व्यू में इसलिए दिखा दिया
नहीं तो मैं पूरा दिखाता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, वापस भी जाना था मेरे को, इसलिए मैंने शॉर्ट व्यू में ही दिखा दिया। जैसे कि अगर हम 10-15 साल पहले जाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं थी, कच्चे मकान थे और वो भी थोड़े थे। अगर हम आज की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुई है और अच्छे मकान बन रहे हैं भी यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यहाँ के कल्चर के बारे में। यहाँ के कल्चर की एक बात मुझे पसंद है जो कि मैंने बिल्कुल औरतों में देखी है। जैसे कि हमारे इस्लाम में बड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ कहा गया है, अपनी माँ बहन को कहो पर्दे में रहा करो, कि जो यहाँ की औरतें हैं वो पर्दे में रहती है और बिल्कुल भी ना महरम के सामने बिना पर्दे के नहीं आती है। क्या लगा आपको आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।